स्टोरी कुछ ऐसे थी, जो मैं हूँ और जो गौतम सर है, हम दोनों बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज से हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई जॉब नहीं करता, कोई दूर दूर तक सर्विस में नहीं है। वी हैव आवर ओन बिजनेसेस, मतलब पापा का मेरा साड़ी का बिजनेस है एंड गौतम के फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। सो हमारे यहाँ लड़कियाँ तो बिल्कुल ही बाहर काम नहीं करती है। हमारी फैमिलीज में 99.9% देयर आर हाउसवाइव्स आफ्टर मैरिज। सो दिस वॉज द स्टार्टिंग थिंग। तो इस तरह की फैमिली है हमारी, जहाँ पे आई एम द ओनली वन बहुत दूर दूर तक भी जो कुछ कर रही है अपनी लाइफ। बट माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव, तो ही वॉज लाइक कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो एक पंडित जी थे बीच में, पंडित जी के पास हम दोनों के बायोडेटास थे। इन्होंने हमारी फैमिली को गौतम का बायोडेटा दिया, उनकी फैमिली को हमारा बायोडेटा दिया। सब अच्छा लगा, यहाँ पे भी सब अच्छा लगा। कुंडली मिलान हुआ तो 36 में से 34 गुण मैच किए, तो एवरीथिंग वॉज गुड इनफ। उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग हुई, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे घर पे गए एंड मीटिंग हुई, घर वर देखा, सब कुछ किया। दे केम बैक एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कैसे चीजें हुई, इट वॉज अ नो फ्रॉम माई फैमिली। नहीं, अभी बाद में देखेंगे और क्या करना है, कैसे करना है। सो थिंग्स वर फिनिश्ड हियर, खत्म हो गई थी चीजें। आई न्यू वन थिंग, मुझे एक चीज पता थी कि अगर मैंने अपने घर वालों के हिसाब से शादी की तो वही चीज होगी कि आई विल बी, मतलब शादी तो अच्छी जगह सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट लाइफ कैसी होगी, वही हाउसवाइफ वाली, आराम से उठो और वो सब करो, उस तरह की लाइफ आई डिडंट वांट। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी एंड आई चेक्ड गौतम्स प्रोफाइल एंड एवरीथिंग एंड आई लाइक्ड हिम, मुझे अच्छे लगे थे। फिर एक एप्लीकेशन आई थी सरहा करके, तो उस पे आई मैसेज्ड हिम। और मैंने क्या मैसेज किया था, आप लोगों ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी देखा होगा, वो मैसेजेस सारे हमने फेसबुक, हम फेसबुक के, मतलब सरहा एप्लीकेशन पे क्या होता था, पता नहीं चलता था कौन किसको मैसेज कर रहा है। तो अगर मैं मैसेज कर रही हूँ तो ही नॉट नो कि मैंने मैसेज किया। हाँ, एनोनिमस होते थे मैसेजेस। तो मैंने क्या मैसेज किया था कि आई वॉन्ट टू नो यू, तो ही वॉज लाइक पता नहीं किसका मैसेज आया, क्या आया है, तो उनको तो पता नहीं था किसका मैसेज आया। तो उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला, If you want to know me, then text me directly. अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट करो, आई वोंट बाइट यू, ऐसे करके कुछ कॉमेडी किया था। और एक हैशटैग डाला स्ट्रेंजर, क्योंकि पता नहीं था कौन मैसेज कर रहा है। फिर मैंने अगला मैसेज किया था, वॉट इफ यू टर्न आउट टू बी सरकास्टिक एंड रूड। माय मैसेज वॉज, वॉट इफ If you turn out to be sarcastic and rude, then गौतम का फेसबुक पर आई थिंक मैसेज था, उन्हें पता नहीं था कौन बात कर रहा है, सिर्फ मुझे पता था कि मैं बात कर रही हूँ। तो इट वॉज द मैसेज, वो तो बात करने से ही पता चलेगा, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ऐसे था। फिर मुझे लगा कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए एंड इट डजंट सूट मी, और ये सब चीजें गलत हैं कि मैं ऐसे अनोनिमस बन के बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने लास्ट मैसेज डाला, गुड बाय स्ट्रेंजर एंड इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बात खत्म हो गई, मैं बाहर आ गई वहां से एंड ही वॉज लाइक, होगा कोई किसी ने फ्रेंड व्रेंड ने किया, उनको तो पता ही नहीं चला लास्ट तक क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड देयर। उसके बाद अराउंड 10 to 12 डेज आफ्टर, मतलब 10 से 12 दिन बाद में, आई गॉट अ फेसबुक, मतलब मुझे भी सरहा पे ये मैसेज आया कि आई थिंक यू वर द वन, मुझे लगता है तुम थी, and if you really want to know me then drop a message on my facebook, and I was like oh my god, pata kaise chala main thi, and there were butterflies in my stomach, ki tha kya, matlab how did he get to know ki I was there, and maine to bahut carefully aur aise kiya tha ki anonymous tha and each and everything was like this, but then I messaged him on the facebook and then wahan se we started talking, hamari baatcheet hona start hua। Then बातचीत होना स्टार्ट हुआ। द बेस्ट थिंग अबाउट गौतम वॉज वॉट, इन स्पाइट ऑफ बींग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, इन स्पाइट ऑफ बींग फ्रॉम सच एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड एवरी थिंग, ही वॉज लाइक कि
आई वॉन्ट अ वाइफ जिसके लिए अपना करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई वॉन्ट समवन हु इज मतलब जो अपनी एनर्जीज किसी पॉजिटिव चीज में डाले, जो अपनी एनर्जीज किसी ऐसी चीज में डाले जिससे कुछ अच्छा हो सकता. तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट जब मैंने पूछा कि लाइक वॉट डू यू सी इन अ पार्टनर, आप इस पार्टनर में क्या चीज देखते हो. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी कि मुझे अपना पार्टनर ऐसा चाहिए जो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो एंड वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन द लाइफ. एंड आई वॉज लाइक बनियाओं में भी ऐसे लड़के होते हैं क्या. दिस इज द फर्स्ट चीज जो मेरे अंदर आई थी. इट वॉज लाइक दिस बिकॉज एवरीवेयर हमने अपनी फैमिलीज में यही देखा हुआ था कि शादी के बाद शादी होती है एंड देन जो लड़की होती है वो घर संभालती है एंड एवरीथिंग वॉज लाइक दिस. तो वहां मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगी. तो उसके बाद हमने बहुत बातचीत की एंड लाइक वी वर कंप्लीट थिंग जिस चीज ने मतलब बहुत हिट दिया कि नहीं दिस इज द मैन हुम आई शुड मैरी. अब बात थी घर पे क्या बोला जाए और कैसे घर वालों को मनाया जाए बिकॉज उन्होंने तो ऑलरेडी हो चुका था सब कुछ एंड खत्म हो चुका था सब कुछ. तो उसके बाद जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, पापा को मनाया, मम्मी को मनाया, उन्होंने अपने घर वालों को मनाया एंड देन देयर वाज अ मीटिंग हुई. फिर चीजें हुई, फिर बहुत जल्दी जल्दी रोका हो गया. फिर शादी वाले दिन बहुत प्रॉब्लम हो गई थी. लाइक द प्रॉब्लम वाज लाइक कि हमारी शादी ना ही दिल्ली में हुई थी ना ही मथुरा में हुई थी, हमारी शादी हुई थी मसूरी में. तो डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी हमारे घर वालों को, तो हम लोग की शादी मसूरी में हुई थी. सारी चीजें मसूरी में ही हुई थी, सारे फंक्शंस एंड एवरीथिंग. हम लोगों ने 7 days का स्टे लिया हुआ था सारे रिलेटिव्स के साथ. रॉयल ऑर्किड करके एक रिजॉर्ट था वहाँ पे. तो जिस रात को आई वॉज कमिंग, जब मैं आ रही थी शादी, मतलब आई वॉज लाइक कम्प्लीटली रेडी एंड एवरीथिंग, उस दिन आई वॉज जस्ट वॉकिंग ऑन द स्टेज एंड माई ब्रदर एंड माई फादर टोल्ड मी कि हमने नहीं करनी शादी, हमने एकदम पैकिंग वैकिंग सब कर लिए, चलो वापस चल रहे मथुरा. सो दिस वॉज द थिंग. कुछ हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे, चीजें हुई थी, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मैंने तो करनी तो अब इन्हीं से है. एंड देन आई पापा को मनाया, सब किया. तो उस टाइम पे फिर हाँ फिर हो गई शादी. फिर उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आई. लाइक ऑल्दो हमारी बातचीतें होती थी बट द प्रॉब्लम वॉज वॉट कि एटलीस्ट 1 साल तो घर पे रहो, उसके बाद थोड़ा सा मैनेज करो, चीज़ों को करो, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर जॉब करना हो तो 2-2.5 घंटे का जॉब कर लेना या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लेना, इस तरीके से कर लेना, क्योंकि थिंकिंग वॉज लाइक दिस एवरीवेयर. तो उसके बाद गौतम का बहुत स्ट्रगल था पेरेंट्स को मनाने में, सब कुछ करने में. उसके बाद क्या हुआ था, ऐसे परमिशन मिली थी जॉब करने की कि मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट बनाओगे सबका, लंच बनाओगे सबका, उसके बाद 11 o'clock निकलोगे, जॉब करोगे 12 to 6 और उसके बाद 6:30 तक वापस आके डिनर एंड एवरीथिंग एंड वो सारी चीज़ें. तो इस तरीके से स्टार्टिंग में परमिशन मिली थी काम करने की. स्ट्रगल का बहुत बहुत बड़ा फेस था स्ट्रगल का, वो कि एकदम इस तरीके से काम करना. बट साथ था, सपोर्ट था, पूरी तरीके से 100% सपोर्ट था लाइक गौतम का हर चीज में. तो इस तरीके से स्टार्ट किया था जॉब करना, 12 to 6 किया. फिर उसके बाद गुड़गांव जाना होता था, मेरे जगह से गुड़गांव 2 घंटे की दूरी पे था, 2 hours फ्रॉम माई प्लेस. 2 घंटे का आना, 2 घंटे का जाना और फिर जॉब भी 8 hours की हुई थी और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी घर की. तो मॉर्निंग में आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock और रात को भी 12-12 बज जाते थे सारी चीजों को मैनेज करने में, चीजों को करने में. हाँ, अड्डा की बात है, उस टाइम जब मैं अड्डा जाती थी, अड्डा 24/7. फिर उसके बाद जब भगवान ने देखा, जब इतना हार्ड वर्क हो रहा है, इतना स्ट्रगल वाला फेस चल रहा है और वो स्ट्रगल वाला फेस, फिर भगवान ने सोचा कि चलो कुछ अब खुशियां लेके आते हैं जिंदगी में. फिर जिंदगी में अन अकेडमी आ गया जहाँ पे घर से बाहर नहीं जाना पड़ा बेसिकली. सो इट वॉज लाइक घर में ही उन सभी ने पूरा ऑफिस बना के दिया, पूरा स्टूडियो बना के दिया कि नाउ यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम होम, अब आप घर से क्लासेस ले सकते हो एंड चीजें हैं. फिर बहुत अच्छी चीजें हुई, मतलब एक जो फेस था स्ट्रगलिंग वाला फेस वो कवर हो चुका था, लोगों को प्रूफ कर दिया था. जो एक फेस होता है ना जब लोगों को प्रूफ करना होता है कि यस आप कुछ कर सकते हो, तो वो प्रूव हो चुका था. फैमिली में बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट हो गया था
एंड चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी. मेरे इन लॉज दे वर वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव थे वो लोग कि उन लोगों ने अलाउ किया. एंड देन उसके बाद भी हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी. तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए. ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए और आज भी चलते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स. ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ अप ही अप है या सिर्फ डाउन ही डाउन है. तो अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, एवरी बडीज लाइफ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उन अप्स एंड डाउन्स में, कि आप ना कभी भी अपना मोरल डाउन मत करो और आप किसी को कभी बुरा मत सोचो. कोई इंसान बुरा नहीं होता है या कोई सर्कमस्टांस खराब नहीं होता है. द पॉइंट इज, अगर आपको कुछ खराब लग रहा है, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लो. और आप उसको आसानी से चेंज कर लोगे अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, अगर आप वो हार्डवर्क कर सकते हो. आप अपने आप को अगर अंदर से चेंज कर सकते हो तो बाहर वाली चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. तो आज का टाइम है और एक मैं अगर पुराने टाइम को याद करूँ तो बहुत डिफरेंस है. पहले के टाइम पे आई यूज टू हेयर अ लॉट, बहुत सारे अपने पेरेंट्स से भी, बाकी अपने रिलेटिव से भी, अपने चीज़ों से भी, कि शादी के बाद जॉब करना या काम करना या इस तरह करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है. फैमिलीज टूट जाती है, बिखर जाती हैं, आप टाइम नहीं दे पाते, आप केयर नहीं कर पाते, ये चीज़ें हैं. और आज का टाइम एंड दे आर लाइक दिस से, निमिषा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो ये जो चेंज आया थिंकिंग में, ये चेंज लाना बहुत मुश्किल था बट आया विद हार्डवर्क. तो यही चीज है कि पॉजिटिविटी रखोगे, अगर पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रहेगा तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में टर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी और फेवर में आती चली जाएंगी. माइंडसेट शुड बी वेरी पॉजिटिव. मैम पंडित जी का नंबर दे दो आप तो हमें बस. So this, and frankly speaking, I am very lucky. बहुत बहुत lucky हूँ मैं, क्योंकि चीजें मेरे favor में होती हैं. चल, ठीक है, अब happy? तो अच्छा एक चीज और, जो लोग आपको लगता है ना बहुत successful है life में या बहुत ऊपर है या आपसे बहुत ऊपर है, उनकी स्ट्रगल आपसे बहुत ज्यादा थी, तो स्ट्रगल के बिना कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, नेवर. अभी भी हम लोग जैसे कहीं जा रहे होते हैं या गाड़ी में होते हैं या ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम उन पलों को याद कर रहे होते हैं, मैं और गौतम, कि हम किस तरह से स्ट्रगल करते थे अपनी लाइफ में, किस तरह की चीजें हमने की है अपनी लाइफ में, जिस वजह से आज हम यहाँ. तो अगर आपकी जिंदगी में भी अभी स्ट्रगल है, अगर आपकी जिंदगी में भी अभी फेलियर है, अगर आपकी जिंदगी में भी अभी डिसअपॉइंटमेंट है, तो परेशान मत होइए, ये छोटा सा फेज है जो बहुत बहुत जल्दी निकल जाएगा. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल फेज, थोड़े से टाइम का फेज है और बहुत जल्दी ये फेज निकल जाएगा आपकी लाइफ से और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी. बस इस फेज में ना हार मत मानना. जो लोग इस फेज में हार मान जाएंगे ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस फेज से बाहर निकलने का. बस हार मत मान, हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेना, एक एवरीथिंग एज अ चैलेंज, हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेना और उसको बाहर, उससे बाहर आना और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना कि एवरीथिंग इज गुड, जो भी दे रहा है ना भगवान, सब मेरे अच्छे के लिए दे रहा है. भगवान ने हमें कभी कुछ गलत तो किया ही नहीं हमारे साथ, जो भी कर रहा है सब हमारे अच्छे के लिए, एवरीथिंग इज गुड फॉर अस. कोई अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हुई है, हमसे हमारे नहीं मिले, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए ही था कि उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है. तो अगर कहीं नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो दैट इज ऑल्सो फॉर अ गुड, बिकॉज उससे बड़ी चीज हमारा कहीं वेट कर रही है. यस yes?